नमस्कार शिक्षार्थियों, मैं दीपिका वर्मा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग में कार्यरत हूँ। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जो विषय है एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। आपने मानव विकास एवं पारिवारिक अध्ययन के अंतर्गत मानव विकास के विभिन्न आयामों को जाना है, जैसे कि जिसमें सबसे पहले आता है विकास और वृद्धि में अंतर। वृद्धि मनुष्य में होने वाला एक संख्यात्मक बदलाव है, जबकि विकास बहुत ज़्यादा बहुमुखी होता है। इसके अंतर्गत मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास आता है। तो आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। विकास परिवर्तनों की श्रृंखला है, जो किसी व्यक्ति की भ्रूण अवस्था से परिपक्वता तक पहुंचने के दौरान होती है। इसमें मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा शारीरिक दृष्टि से होने वाले परिवर्तनों को सम्मिलित किया जाता है। विकास के लिए कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, व्यक्तिगत स्वभाव में परिवर्तन या सुधार होना सम्मिलित है। इस वीडियो का उद्देश्य है कि इसको देखने के बाद आप सक्षम होंगे एरिक्सन की मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत की विभिन्न अवस्थाओं का उल्लेख करने में। एरिक्सन की मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत की विभिन्न अवस्थाओं की तुलना करने में और एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत की विशेषताओं की सूची बनाने में। एरिक्सन का मानना है कि प्रत्येक अवस्था में व्यक्ति की कुछ कमियाँ व सामर्थ्य होती हैं, अतः व्यक्ति यदि एक अवस्था में असफल हो गया हो तो इसका आशय यह नहीं है कि वह दूसरी अवस्था में भी असफल होगा, क्योंकि खामियों के साथ साथ सामर्थ्य भी विद्यमान होता है, जो प्राणी की निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। एरिक्सन ने मानवीय व्यक्तित्व के विकास में सामाजिक एवं ऐतिहासिक कारकों की भूमिका को भी स्वीकार किया है, इसीलिए इनके सिद्धांत को व्यक्तित्व के मनोसामाजिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने सिद्धांत में व्यक्तित्व की विकास की कुछ अवस्थाएं बताई हैं, जो क्रमशः एक के बाद एक आती हैं, और यह जरूरी है कि उनसे होकर मानवीय व्यक्तित्व क्रमशः विकसित होता जाता हो। इसी क्रम में एरिक्सन ने भी मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाएं बताई हैं, जिनमें भिन्न भिन्न प्रकार से मानवीय व्यक्तित्व विकसित होता है। इन अवस्थाओं की विवेचना निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत की गई है। जैसे कि सबसे पहले जब बच्चे छोटे होते हैं, जिसे हम शैशवावस्था कहते हैं, उसमें बच्चों में विश्वास बनाम अविश्वास होता है। उसके बाद स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता, खेल अवस्था के दौरान पहल शक्ति बनाम दोषिता, स्कूल अवस्था में परिश्रम बनाम हीनता, किशोरावस्था में पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, तरुण वयस्कावस्था में आत्मीयता बनाम अलगाव, इसके बाद उत्पादकता बनाम स्थिरता बच्चों में आती है या बड़े लोगों में, और अंत में आती है संपूर्णता बनाम निराशा। तो शुरुआत करते हैं शैशवावस्था से, जिसमें विश्वास बनाम अविश्वास होता है। इस अवस्था में बच्चों में व्यक्तित्व का निर्माण होता है, बच्चों में अपने एवं दूसरे के प्रति विश्वास की भावना उत्पन्न होती है। माना जाता है कि जन्म से लेकर 1.5 वर्ष तक विश्वास बनाम अविश्वास उत्पन्न होता है। इस उम्र में माँ के द्वारा जब बच्चे का पर्याप्त देखभाल की जाती है, उसे भरपूर प्यार दिया जाता है, तो बच्चे में सर्वप्रथम धनात्मक यानी पॉजिटिव गुण विकसित होता है। यह गुण है बच्चे का स्वयं तथा दूसरों में विश्वास करना तथा आस्था की भावना का विकसित हो जाना, जिसमें बच्चे को खुद में यकीन होने लगता है और वह आसपास के परिवेश को भी जानने लगता है और उनमें विश्वास करना सीखता है। यह गुण आगे चलकर उस बच्चे के स्वस्थ व्यक्तित्व के विकास में योगदान देता है। इसके विपरीत, यदि माँ द्वारा बच्चे का समुचित ढंग से पालन पोषण नहीं होता हो, माँ बच्चे की तुलना में दूसरे कार्यों तथा व्यक्ति को प्राथमिकता देती हो, तो इससे उस बच्चे में अविश्वास, हीनता, डर, आकांक्षा,
ईर्ष्या इत्यादि ऋणात्मक गुण यानी नेगेटिव जो क्वालिटीज़ होती हैं वो विकसित हो जाती हैं, जो आगे चलकर उसके व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करती हैं। एरिक्सन का मत है कि जब शैशवावस्था में बच्चा विश्वास बनाम अविश्वास के द्वंद का समाधान ठीक ढंग से कर लेता है, तो इससे उसमें आशा यानी होप नामक एक विशेष मनोसामाजिक शक्ति विकसित होती है। आशा का अर्थ है एक ऐसी समझ या शक्ति जिसके कारण शिशु में अपने अस्तित्व एवं स्वयं के सांस्कृतिक परिवेश को सार्थक ढंग से समझने की क्षमता विकसित हो जाती है। इसके बाद आती है प्रारंभिक बाल्यावस्था, जिसमें बच्चे स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता का अनुभव करते हैं। यह मनोसामाजिक विकास की दूसरी अवस्था है, जो लगभग 2 साल से 3 साल की उम्र तक होती है। एरिक्सन का मत है जब शैशवावस्था में बच्चे में विश्वास की भावना विकसित हो जाती है, तो इस दूसरी अवस्था में इसके परिणाम स्वरूप स्वतंत्रता एवं आत्मनियंत्रण जैसे अच्छे गुण विकसित हो जाते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ यहाँ पर है कि माता पिता अपना नियंत्रण रखते हुए स्वतंत्र रूप से बच्चों को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने दें, उस पर अपनी कोई भी इच्छा न थोपे। जब बच्चे को स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाता है तो उसमें लज्जाशीलता, व्यर्थता, अपने ऊपर शक करना, आत्महीनता इत्यादि भाव उत्पन्न होने लगते हैं, जो एक स्वस्थ व्यक्तित्व की निशानी बिल्कुल भी नहीं है। एरिक्सन के अनुसार जब बच्चा स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता के द्वंद्व को सफलतापूर्वक दूर कर देता है, तो उसमें एक विशिष्ट मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न होती है, जिसे उन्होंने इच्छा शक्ति यानी विल पावर का नाम दिया है। एरिक्सन के अनुसार इच्छा शक्ति से आशय एक ऐसी शक्ति से है जिसके कारण बच्चा अपनी रुचि के अनुसार स्वतंत्र होकर कार्य करता है, साथ ही उसमें आत्मनियंत्रण एवं आत्मसंयम का गुण भी विकसित हो जाता है। तीसरी अवस्था है खेल अवस्था। इसमें आती है पहल शक्ति बनाम दोषिता। यह स्थिति 3 से 5 साल तक की आयु की होती है। इस उम्र तक बच्चे ठीक ढंग से बोलना, चलना, दौड़ना इत्यादि सीख जाते हैं, इसीलिए उन्हें खेलने कूदने के नए कार्य, घर से बाहर अपने साथियों के साथ मिलकर नई नई जिम्मेदारियों को निभाना और जानवरों का ख्याल रखना, इन सब में इनकी रुचि बढ़ जाती है। इस प्रकार के कार्य उन्हें खुशी प्रदान करते हैं। आपने अपने घर में भी देखा होगा कि कई बार बच्चे इस उम्र में जब उनकी खेल अवस्था होती है तो वो कोशिश करते हैं कि वो घर में अपनी मम्मी के साथ रसोई घर में काम करें या अपने दादाजी के साथ किचन गार्डनिंग करें, क्योंकि इस प्रकार के कार्य उन्हें खुशी प्रदान करते हैं और उन्हें इस स्थिति में पहली बार इस बात का एहसास होता है कि उनकी ज़िंदगी का भी कोई खास मकसद या लक्ष्य है जिसे उन्हें प्राप्त करना ही चाहिए। इसके विपरीत जब अभिभावकों द्वारा बच्चों को सामाजिक कार्यों में भाग लेने से रोक दिया जाता है अथवा बच्चे द्वारा इस प्रकार के कार्य की इच्छा व्यक्त किए जाने पर उसे दंडित किया जाता है और ज़्यादा रोक टोक की जाती है, तो उनमें अपराध बोध की भावना जन्म होने लगती है। इस प्रकार के बच्चों में निष्क्रियता की प्रवृत्ति भी जन्म लेने लगती है और बच्चे किसी भी काम में अपना मन नहीं लगाते हैं और वो कोशिश करते हैं कि जो भी उनको काम दिया जाए वो उसमें पहल ना करें। जब बच्चा पहल शक्ति बनाम दोषिता के संघर्ष का सफलतापूर्वक हल खोज लेता है, तो उसमें उद्देश्य नामक एक नई मनोसामाजिक शक्ति विकसित हो जाती है। इस शक्ति के आधार पर बच्चे में अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करने की क्षमता के साथ साथ उसे बिना किसी डर के प्राप्त करने का सामर्थ्य भी विकसित हो जाता है और बच्चों में बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास आता है। इसके बाद स्कूल अवस्था आती है, जिसमें परिश्रम बनाम हीनता का गुण विकसित होता है। मनोसामाजिक विकास की यह चौथी अवस्था 6 साल की उम्र से आरंभ होकर लगभग 11 साल की आयु तक होती है। इस अवस्था में बच्चा पहली स्कूल के माध्यम से औपचारिक शिक्षा ग्रहण करता है और उसका स्कूल में भी बच्चों का एक समूह बन जाता है, उसके दोस्त बन जाते हैं और अपने शिक्षकों से भी बहुत ज़्यादा बच्चा प्रभावित होता है। अपने आसपास के लोगों, साथियों से किस प्रकार का व्यवहार करना है, कैसे बातचीत करनी है इत्यादि व्यवहारिक कौशलों को बच्चा सीखता है, जिससे उसमें परिश्रम की भावना विकसित होती है और बच्चों को लगता है कि हाँ, मैंने मेहनत करनी चाहिए। यह परिश्रम की भावना
स्कूल में शिक्षकों तथा पड़ोसियों से प्रोत्साहित होती है, किंतु यदि किसी कारणवश बच्चा स्वयं की क्षमता पर संदेह करने लगता है और उसको लगता है कि नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, तो इससे उसमें आत्महीनता की भावना आ जाती है, जो नकारात्मक भावना है, जो उसके स्वस्थ व्यक्तित्व के विकास में बाधक बनती है। किंतु यदि बच्चा परिश्रम बनाम हीनता के संघर्ष से सफलतापूर्वक बाहर निकल जाता है, तो उनमें सामर्थ्यता नामक मनोसामाजिक शक्ति विकसित होती है। और इस सामर्थ्यता का अर्थ है किसी कार्य को पूरा करने में शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं का समुचित उपयोग करना। इसके बाद आती है किशोरावस्था, पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था 12 वर्ष से लगभग 18 वर्ष तक होती है, और ये वही दौर होता है जिसमें मनुष्य अपने में सबसे ज़्यादा बदलाव महसूस करता है। इस अवस्था में किशोरों में दो प्रकार के मनोसामाजिक पहलू विकसित होते हैं। प्रथम है पहचान नामक धनात्मक यानी पॉजिटिव पहलू, और दूसरा है भूमिका संभ्रांति यानी रोल कन्फ्यूजन नामक का एक नेगेटिव पहलू। एरिक्सन का मत है जब किशोर पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति से उत्पन्न होने वाली समस्या का समाधान कर लेता है, तो उसमें कर्तव्य निष्ठता नामक एक विशिष्ट मनोसामाजिक शक्ति का विकास होता है। यहाँ कर्तव्य निष्ठता का आशय है कि किशोरों में समाज में प्रचलित विचारधाराओं, मानकों एवं शिष्टाचारों के अनुरूप व्यवहार करने की क्षमता। एरिक्सन के अनुसार किशोरों में कर्तव्य निष्ठता की भावना का उदय होना उनके व्यक्तित्व विकास की ओर इंगित करता है। छठी अवस्था है तरुण वयकावस्था, जिसमें आत्मीयता बनाम अलगाव उत्पन्न होता है। मनोसामाजिक विकास की इस छठी अवस्था में व्यक्ति विवाह के आरंभ द्वारा पारिवारिक जीवन में प्रवेश करता है। यह अवस्था 19 से 40 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में व्यक्ति स्वतंत्र रूप से जीविकोपार्जन प्रारंभ कर देता है तथा समाज के सदस्यों, अपने माता पिता, भाई बहनों तथा अन्य संबंधियों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है। इसके साथ ही वह स्वयं के साथ भी एक घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है, क्योंकि वह जान जाता है कि मुझे अपने भविष्य में क्या करना है और कैसे अपने परिवार को आगे बढ़ाना है। किंतु इसका दूसरा पक्ष यह भी है कि जब व्यक्ति अपने आप में ही खोया रहता है, तो उसके कारण किसी दूसरों के साथ संतोषजनक संबंध नहीं कायम कर पाता है, तो इसे विलगन की स्थिति कहते हैं। विलगन की मात्रा अधिक हो जाने पर व्यक्ति का व्यवहार मनोविकारी या गैर सामाजिक हो जाता है। वह लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं करता है और ना ही अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है। घनिष्ठता बनाम विलगन से उत्पन्न समस्या का सफलतापूर्वक समाधान होने पर व्यक्ति में स्नेह नामक एक विशेष मनोसामाजिक शक्ति विकसित होती है। एरिक्सन के मतानुसार स्नेह का आशय है किसी संबंध को कायम करने के लिए पारस्परिक समर्पित होने की भावना या क्षमता का होना। जब व्यक्ति दूसरों के प्रति उत्तरदायित्व, उत्तम देखभाल या आदर भाव अभिव्यक्त करता है, तो इसे स्नेह की अभिव्यक्ति होती है। सातवीं अवस्था है मध्य वयकावस्था, जिसमें उत्पादकता बनाम स्थिरता होती है। मनोसामाजिक विकास की यह सातवीं अवस्था है, जो 40 से 65 वर्ष तक मानी गई है। एरिक्सन का मत है कि स्थिति में प्राणी उत्पादकता की भावना विकसित होती है, जिसका तात्पर्य है कि व्यक्ति द्वारा अपनी भावी पीढ़ी के कल्याण के बारे में सोचना और उस समाज को उन्नत बनाने का प्रयास करना जिसमें भावी पीढ़ी के लोग रहेंगे। व्यक्ति में उत्पादकता की भाव उत्पन्न न होने पर स्थिरता उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है, जिसमें व्यक्ति अपने स्वयं की सुख सुविधाओं एवं आवश्यकताओं को ही सर्वाधिक प्राथमिकता देता है और दूसरों की प्राथमिकताओं को नकारता है। जब व्यक्ति उत्पादकता एवं स्थिरता से उत्पन्न संघर्ष का सफलतापूर्वक समाधान कर लेता है, तो इससे व्यक्ति में देखभाल नामक एक विशेष मनोसामाजिक शक्ति का विकास होता है। देखभाल का गुण विकसित होने पर व्यक्ति दूसरों की सुख सुविधाओं एवं कल्याण के बारे में भी सोचता है और अपने परिवार के साथ साथ अपने समाज का भी ध्यान देता है। अंतिम जो चरण है इसमें है परिपक्वता,
जिसमें संपूर्णता बनाम निराशा की स्थिति उत्पन्न होती है। मनोसामाजिक विकास की यह अंतिम अवस्था है। यह अवस्था 65 वर्ष तथा उससे अधिक उम्र तक की अवधि अर्थात मृत्यु तक की अवधि को अपने में शामिल करती है। सामान्यतः इस अवस्था को वृद्धावस्था माना जाता है, जिसमें व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य, समाज एवं परिवार के साथ साथ संयोजन, अपनी उम्र के लोगों के साथ संबंध स्थापित करना इत्यादि अनेक सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें वृद्ध जन अपनी बहुत सारी सामाजिक क्षमताओं से भी जूझ रहे होते हैं, अपनी बीमारियों से भी जूझ रहे होते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति भविष्य की ओर ध्यान न देकर अपने अतीत की सफलताओं एवं असफलताओं का स्मरण एवं मूल्यांकन करता है, और वो यही सोचते हैं कि हमने अपने पहले पूर्व में क्या किया है और हमने अपनी भावी पीढ़ी को क्या दिया है। एरिक्सन के अनुसार इस स्थिति में किसी नई मनोसामाजिक संक्रांति की उत्पत्ति नहीं होती है। एरिक्सन के मतानुसार परिपक्वता की इस अवस्था की प्रमुख मनोसामाजिक शक्ति है। इस अवस्था में व्यक्ति वास्तविक अर्थों में परिपक्व होता है, किंतु कुछ व्यक्ति जो अपनी ज़िंदगी में असफल रह जाते हैं वे इस अवस्था में चिंतित होने लगते हैं और निराशाग्रस्त रहते हैं तथा अपने जीवन के वो भार स्वरूप समझने लगते हैं। यदि यह निराशा निरंतर बनी रहती है तो वह मानसिक विषाद से ग्रस्त हो जाते हैं। तो हमने जाना कि एरिक्सन की 8 कौन कौन सी मनोसामाजिक स्टेजेस हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि एरिक्सन की मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, जिसमें से पहला है कि प्रत्येक मनोसामाजिक अवस्था में जीवन में एक परिवर्तन बिंदु होता है जिससे हर एक को गुजरना पड़ता है। दूसरा है, प्रत्येक मनोसामाजिक संकट पॉजिटिव और नेगेटिव यानी धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों तत्वों से युक्त होते हैं। अवस्था में उत्पन्न होने वाले संकट का निराकरण होने पर सदाचार की शक्ति का उद्भव होता है और प्रत्येक मनोसामाजिक अवस्था का निर्माण उसके पूर्वावस्था में हुए विकास से संबंधित होता है। इसकी एक और विशेषता है कि एरिक्सन के मत में प्रत्येक अवस्था में 3 R का प्रावधान है, जिसमें है पहला R मतलब रिचुअलाइजेशन, जिसे हम कर्मकांडता कहते हैं। दूसरा है रिचुअल यानी कर्मकांड। तीसरा है कर्मकांडवाद। कर्मकांडता का अर्थ है कि सांस्कृतिक रूप से स्वीकृत तरीके से समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया करना। कर्मकांड का अर्थ है वयस्क द्वारा समुदाय द्वारा महत्वपूर्ण घटनाओं की अभिव्यक्ति के लिए किए गए कार्य। और अंतिम है कर्मकांडवाद अर्थात कर्मकांड से उत्पन्न विकृति, जिसके कारण व्यक्ति का ध्यान केवल स्वयं के ऊपर केंद्रित रहता है और वह अपने परिवार और समाज की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। तो इस प्रकार आप जान गए होंगे कि एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास की प्रमुख 8 अवस्थाएं हैं जिसके बारे में हमने चर्चा की, और एरिक्सन की मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत की कुछ विशेषताएं भी हैं, और प्रत्येक मनोसामाजिक अवस्था का निर्माण उसके पूर्वावस्था में हुए विकास से होता है। धन्यवाद।